हाँ जी बोलिए। ऑफ है लो जी, हो गया यार, हो गया। हाँ जी पत्रकार साहबान, थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद के तुसी आज साड़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आए। भगवंत मान जी ने मेरे ते हमेशा दी तरह अज फिर इल्जाम लगाए। सवा साल तो जिदण दा इहदी सरकार आई है, ये बंदा सानू मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मैनू भी ते हुण मेरे परिवार नू भी। ते लगातार कदे विधानसभा च कहिंदा है कि जो चन्नी किथे भज गया, वो किथे थोड़ा सीएम, मैं उन्हूं पहला दिखाउणी है। हुण 6-7 महीने ते मैं आया है, अज तक तां कोई फाइल दिखाई नहीं। फिर कदे कोई इल्जाम, कदे मेरे मुंडे दे ब्याह दे, कदे होर कदे होर, फिर कदे मेरी प्रॉपर्टी दे। लगातार जीना हराम कर रहा है, हुण मेरे परिवार ते भी पै गया। मैं तो गुरु ते ओट रखी हुई है, लोकां ते ओट है, क्योंकि मैं अपने जन्मदिन वाले दिन अखंड पाठ कराया सी। तो सवेरे सवेरे भाई जी आया, मैं ऐसी मत्था टेकिया शुरू कराया, तो जिहड़ा वाक आया सी वो आया सी, तू काहे डोले प्राणियां, तू दराखेगा सिरजनहार। सो मैं उस परमात्मा दे भरोसे दे नाल चलदा हमेशा। ते अजिहे झूठे इल्जाम पहला भी लगदे रहे है, अज भी लगे है, आखर नूं इहनां ने साफ हो जाणा है। लेकिन इस बंदे दा जिहड़ा काम है वह मैनूं बदनाम करना ज़्यादा है, जलील करना ज़्यादा है। कदे बोल दिंदा जी कि ये साहबजादियां दे पैसे खा गया, वो तैनू क्या पता है साड़ी साहबजादियां दे नाल किन्ना अकीदा है, किन्नी शरदा है, तू जानदा क्या है यार। ये बंदा सिर्फ बदनाम करन वास्ते, मैनू कल्ला नहीं, कांग्रेसियां नू सारिआं नू कर रहा। थोड़े पत्रकार नहीं छड्डे, जिहड़ा बंदा विरोधी है, माड़ी जी विरोध करता है, उहदे पर ऐसा इल्जाम लगाएगा कि ठोकर लग जाता है, अगले का जीना हराम हो जाता है। तुसी दसो कि पहला इहदे बारे च पहले दिन जिहड़ी इहदी इहने लैक्चर करिया,
वो तुसीं कट के देखो उहदे च कह रहा कि चन्नी ने कहा कि अपने भाणजे नूं कि तुसीं मेरे भाणजे नूं मिलो। फिर थोड़ा जिहा हासी वाले मजाकिया अंदाज च भाणजा ये भी करिया देखो तुसीं कट के, तुसीं सारे पत्रकार हो, तुहाडे सारे पास वीडियो पई है। भाणजा मतलब हनी नाल जोड़न की कोशिश की थी इस गल नूं उस दिन। ऐसी बंदा भेज के हनी नूं ग्रिल कर लिया कि दस क्या गल है ये, वो कहता मेरी कोई गल नहीं। फिर मैं सहु खाधी, मैं अपने भाणजे भतीजे सारे की सहु खाधी कि नहीं इस तरह हो सकता, मैं पूछ लिया। और मैं सहु खाधी सी कि जी मैं किसी नूं ये नहीं किया कि तुसीं मेरे भाणजे भतीजे नूं मिलो। उस तो बाद इन्हें अगली उहदे विच इस बारे जिहड़ी गल कीती उहदे विच भाणजे भतीजे लिया आ। तो अज भाणजे छड़ते एक भतीजे पर लिया आ, आ मेरा भतीजा बैठा है जैसे खड़ा हो, मेरे छोटे भाई का मुंडा है डॉक्टर मनोहर का, इहदा फादर भी डॉक्टर है MD है, बैठ जा। इहदी मदर भी डॉक्टर है, स्किन स्पैशलिस्ट है, ये भी डॉक्टर है। इहदा छोटा भाई है जिहड़ा, वह भी हुणे डॉक्टर बनिया। डॉक्टरां दी सारी फैमिली है और यह डॉक्टर बन के हुण नौकरी कर रहा है, उस टाइम भी नौकरी करता सी। जे किसी का बिल्कुल बहुत घट मतलब है ही नहीं दे बराबर लिंक है इस तरह का मेरे नाल, तां ये जशन है, इन शौक हैगा, लेकिन नौकरी पढ़ने वाला मुंडा MD की तैयारी कर रहा, क्योंकि बाप MD है, माँ MD है, तो कहना मैं MD मैं भी पढ़ना है, ऐतकी पेपर दिता सी। इनू हुण साडे परिवार को भी बदनाम करना शुरू करता, ये पढ़ने लिखने वाले मुंडे हैं, इन्हां नूं इन्हां गल्लां दा क्या पता है। ये एक दिन आया है उस जगह दे उपर जिस दिन मैं सौं चुकी है, अदरवाइज कदे उत्थे नहीं आया है। कढ़ लैण इहदी हुण गल ये है कि जिहड़ियां मैं गल्लां बोलनी उन्होंने उहदा काउंटर होर तरीके नाल बना लेना, क्योंकि उन्होंने सारियां बोलियां नहीं, इस करके सारिया मैं बोल भी नहीं सकता। दो तीन गल्लां जिहड़ियां आ झूठ उहदा पहला भतीजा पहला भाणजा फिर भतीजे पर आ गया, फिर पहला भतीजे भाणजे दे आया। इस तो अलावा तुसीं इह देखो कि वह बंदा कहिंदा है कि जी मैं कैप्टन कोल भी गया, ये कह रहा उहदे फादर ने बोलन दिता, मुंडे नूं तां बोलन ही नहीं दिता सवार के, कि मैं कैप्टन कोल गया पहला। वो कहिंदा तेरा केस बनता है तेनू नौकरी दे देंगे, इन्हें नूं सरकार टुट गई। फिर मैं चन्नी कोल गया, चन्नी कहना तेरा केस बनता है मेरे भतीजे नूं मिल ले, इहदा मतलब उहनूं इह तां पक्का सी कि मेरा केस बनता जिस तरह उहने पेश कीती गल। फिर क्या ओह जब मैं बदल गया भगवंत मान कोल सवा साल च नहीं आया होगा बई अपनी नौकरी लैण, जद उन्हें पता है कि मेरा केस ठीक है और बनता है, मैनू कैप्टन ने भी हाँ करती, मैं चन्नी ने भी हाँ करती, दोनों बदल गए, हुण भगवंत मान आ गया सवा साल दे विच, क्या भगवंत मान को आया ही नहीं। तुसी पत्रकार हो, सियाने बंदे हो, अंदाजा लगाओ कि फिर वो सौ गया सी भाई कि हुण भगवंत मान को नहीं जाना, यह चंगा बंदा नहीं। असली गल क्या है कि वह भगवंत मान को आया होगा, उन्हें दसिया भी होएगा, तो फिर भगवंत मान ने किया दे दिने नौकरी, लेकिन इस तरह करना पैना है। फिर चन्नी के खिलाफ चिड़िया चवारा कि हुण करो इहनूं लोड, इस तरह दियां सोचां दे नाल ये बंदे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं हुण ज्यादा इस बंदे ने इस तरह समय चिट्टा झूठ बोल के TV दे उत्ते मैं देख रहा सी बैठा एक वकील साहब के घर, तो इन्हें चिट्टा झूठ बोल के जब एलीगेशन लगाते तो बंदा एक बार तो सटन हो जाता यार, हुण इहदा क्या करिए, इन्ना झूठ, इन्ना इन्ना धोखा, इन्ना फ्रॉड। मैं भी आखिर किसी गुरु के घर जाके अरदास की हुई है सच की, अजे मैं निमो झूणा जी होया सी
कि मैं सुखपाल खेरे का टैलीफोन आ गया कि अपना वट्सएप चैक करो। मैं क्या वो कहना एक लिंक है, मैं देखिया वो एक लिंक आया आ गया कि जी ये बंदा पहला कोर्ट विच गया सी, इन्हें PPSC पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब का जड़ा उसे तो नौकरी मंगी, उन्होंने यदि रिजेक्ट करती कि तू स्पोर्ट्स कैटागरी फॉल नहीं करता। ये बंदा हाई कोर्ट चले गया, हाई कोर्ट दे सिंगल जज को लग्या, उन्होंने कहता जी नहीं, डबल जज को अपील करती, उन्होंने भी अपील रिजेक्ट करती। हूँ अजे क्योंकि अजे पड़ता खुलिया नहीं, अजे हूँ पता लग्या है, ये भी पता लग्या कि सैशन जज ने भी यदा कैंसल किया हो, मैं अजे पूरा पता नहीं है क्योंकि हूँ गल हुई है, अजे मैं जदे प्रेस कर जे मैं ना आता तुम्हें कहना भी वह नहीं आया क्योंकि पूरे तथ आए नहीं। कहते तो सैशन जज तो भी अपील खारज होगी, हाई कोर्ट चो भी खारज होगी, हूँ अगे दुबारे पा के वापस भी ले ली क्योंकि हूँ भगवंत मान के नाल सौदा हो गया। या जनवरी कहते कोई केस वापस लिया हाई कोर्ट तो। भगवंत मान जी सानू मारना है या बदनाम करना है या जलील करना है तो इन्ने बड़े बड़े झूठ बोलने की जरूरत है? सरकारां क्या नहीं कर दिया, उयों इनकाउंटर करा लो जे करना ही है, ऐ करन दी क्या लोड़ है भी चन्नी उहदे कितें चारे पासे ये क्या खेल खेल रहा है? जे कोई एलीगेशन तेरे पास, मैं कहना जी तेरे पास दरखास्त आ गई, आपे बोल रहा सी या बाप बोल रहा सी, दरखास्त आ गई तू उन्हूं मार कर, सर पुलिस वाले बुलावे असीं जाइए दसी उन्हूं गल, आप सनसनी खेज बना रहा। पहला एक स्टेज पर तो बोलता फिर बोलता, अज टीवी ते 15 मिनट रह गए जी, 14 मिनट रह गए जी, 13 मिनट रह गए जी, यार क्या रह गए बई हूँ भी अजे तुम देखियो, अज बुला लिया जी, अज भेजता जी, अज पुलिस चलेगी जी, ये अज का नहीं है सवा साल का हो रहा है सारे कांग्रेसियों के नाल। यार दसो जिन्हों हाई कोर्ट ने दो बार रिजेक्ट कर लिया केड़ा मुख्यमंत्री है जो नौकरी देगा? क्यों दवान वाले ये जड़ा बंदा है ये वर्गे एक नहीं हजार है पंजाब दे विच, इहदे पर डी ग्रेड है, डी ए ए प्लस, बी बी प्लस, सी सी प्लस, डी डी प्लस, इहदे पर डी है। वो मेरे पास बी प्लस है, आ इधर ए प्लस बैठा है मैं तो नौकरी अपने आप नूं नहीं ली, मेरा मुंडा, मेरा अपना मुंडा उहदे पास बी प्लस है, फुटबॉल का गोलकीपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तुसी ऐसी अपने मुंडे को तो नौकरी दिती नहीं, तेरे मुंडे आ मुंडे को किस तरह दे देंगे बई? और केड़ा प्लेयर है, आपे कह रहे हैं कि चन्नी ने कहा बहुत गोल्ड ओलंपिक खेडे हो, हाँ भाई तू ओलंपिक खेडे हो, ओलंपिक वाले नौकरी दी है हाकी के प्लेयर, उन्होंने जाके पूछो ना भी चन्नी ने पैसे ले, जेड़ियां मैं देती नौकरी उन्होंने तो पूछते नहीं कि चन्नी के पैसे ले, जेड़ियां दित्ती नहीं हामी नहीं भरी वो बंदा खड़ा कर लिया झूठा मेरे खिलाफ के जी, और झूठा भी किसी गल पर करिया, आप ही कह गया मुख्यमंत्री अज उस बंदे बिल्कुल नौकरी नहीं मिलती कैबिनेट विचों, PCS दे विच आ जाता आ भी जाता लेकिन कैबिनेट देने की नहीं बनती क्योंकि वह जे हजारा है पंजाब दे विच, या तो हुण उन्हूं बहुत खड़ा रखने वास्ते हजारा नूं भी देनी पेगी या उन्हूं कल्ले नूं क्यों देण कैबिनेट दे विच नौकरी, जे कैप्टन ने नहीं दिती मैं नहीं दिती तो कमी होएगी ना, ये गल बाद दे विच बना ली। सो मैं बेनती करना चाहता है कि पंजाब के लोगो ये जेड़े पूरी ठगी मेरे घर के नाल अज हो रही है, मेरा घर लुटिया जा रहा है, मैं झूठा बदनाम करके
अंदर ठोकन दिया साजिशां है, कह भी गया कि अंदर दवांगे सारिआं नूं, कह गया मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री दे शब्द बणदे है? अजे कोई इनकुआरी नहीं कराई वो बंदे सच्चे है कि झूठे है? तू उन्हूं स्टेज परे उत्थे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं मैं इन्हूं नौकरी दूंगा, इहदा मतलब हाँ करती उन्हूं? ये मुख्यमंत्री का काम है? आही काम सवा साल से चली जा रहा, ना कोई पंजाब की तरक्की की गल है, सानू इन्हां गल्लां बारे बोलना पैंदा है, ऐसी भी नहीं बोल पा रहे तरक्की की गल, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई, अज मैं एक बड़ा इशू बोलना सी, लेकिन इन्हें सनसनीखेज इस तरह तरीका लभ्या मैं वह छड गया, हूँ इन्होंने बोलना। उस तो बाद मैं अज भी वो मसला थोड़े सामने रखना, क्योंकि अब मौका मिले वा तो सारी प्रेस आई भी है। सो मैं कहना चाहता है जैसे तक खड़ के दस दे एक बार जैसे एक बार तू खड़ा हो दस दे, तेनों बंदा कदे मिलिया तै कदे पैसे देखे वो तेरे वहां पैसे लेने आया? देखो यार ये कोई बहुत एक्सपर्ट बंदा नहीं, फिर भी देखो जी मैं अज तक जो कुछ मैं थोनू देखो जी जेड़ा कुछ इन्होंने बोलिया सारा कुछ उवें ही है, ना मैं उन्होंने अज तक कद मिले ना ही मैं उन्होंने पछाणद, ये तो अज एकदम ही उन्होंने एवं कहता, तो हमेशा ही इन्होंने तो अपने नाल कदे किसी फैमिली मैंबर में इनवॉल्व किया ही नहीं है, तो वह पता नहीं क्यों एवं साढ़े झूठा इल्जाम ला रहे हैं। मेरी गल सुनो, जब मुख्यमंत्री किसी प्रोग्राम च पहुंचता लाइन च बंदे लगे होंगे या जब जाता है मूहरे बंदे कुछ खड़ जाते हैं, इस तरीके दे नाल वह प्रोग्राम की फोटो है उन्हें दिखाया जा रहा पंजाब भवन के मोहाली का कोई फंक्शन है, फंक्शन के मुख्यमंत्री नूं 100 बंदा मिलता है, 100 मंदिर जाते बेव करता, 100 बंदा सत श्रीकाल करता, नाल मिल के हाथ भी मिला, इस तरह ही उहदी फोटो उतरी भी यार, हर किसी चाह होता मुख्यमंत्री के फोटो ले लीए, इन्नी गल है। देखो जी मैं फिर कहना, जिस दिन मैं सहुं करती थी उस दिन भी मैं कहा कि मेरे पास हजारा बंदे नौकरियां नूं आउंदे, ये भी आया होएगा, उस दिन तो मैं ये भी नहीं पता कौन है, अज भी मैं कहना रूटीन च बंदा आया होएगा, लेकिन मैं कदे यही करती मैं सहुं करती थी, अज फिर कहना कि मैं कदे ये नहीं कहा कि मेरे भतीजे जशन नूं मिल रहा है, उस दिन मैं सहुं करती थी भी मैं किसी भतीजे नूं नहीं कहा, अज उन्हें जशन नाम लेता, अज भी शायद जशन किया वो भी गंजाइश रख के पता नहीं किसी होर का भी नाम देना कल ईदा कट के। देखो जी मैं वीर जी मेरे याद नहीं है कि जी मैं उसनों कदे इस नौकरी बारे उन्होंने कुछ किया, हाँ जरूर नौकरी वास्ते आया होएगा, लेकिन मैं ये तो कह ही नहीं सकता, नाले एक बंदा है मेरे भतीजे हैगे हैं, मेरिया 6 भैन है ना सॉरी 6-7 भैन भाई हैं, असी जिसे 3 भैन 4 भाई है, एक मेरी साड़ी है, एक मेरा साड़ा है, कुल मिला के 9 हो गए, 9 घर के बिच जिन्हें जिदण का बोल रहा कलेस पिया हो, रोटी पटकनी औखी हुई भी है, हरेक अपने मुंडे कहीं झाकी जाता के जी कि आता नहीं है। अच्छा मैं पूछदा मुंडे से थोड़ी देर बाद बापू का टैलीफोन आ जाता है कि तू साडे मुंडे पर शक करदा, मुंडा साडे नाल लड़दा, यार ये इस तरह का माहौल तैयार कर रहे लोग। यार मैं कहना जी मैं जरूर कहा होगा, जे मैं उसी की गल पर जावा कि मैं उन्हें क्या तेरे मुंडे कितों नौकरी देना, बहुत लंबे खोले फिर खेले आया हो यार, ऐ दस केड़ी नौकरी 2 करोड़ की, वो आप कहें 4 लीडे नहीं है कहते घर के हद करती यार। मेरी गल सुनो, तुसी अपना मकान भी बेचना होगा ना तो यह देखते भी खरीदने वाले चौकात भी है, स्पोर्ट्स बारे कहना चाहते हैं।
यार मैं कहना जी जरूर आया होगा, गल हुई होगी, लेकिन मैं जेड़ी गल असली है वो मैं ये दस रहा कि जी मैं किसी ने नहीं कहा मेरे भतीजे को मिले। और मेरे भतीजे किन्ने हैं, भाणजे किन्ने हैं, ये डॉक्टर का ही कहदे वास्ते कहना सी मैं उन्होंने भाई हद होगी देखो ऐसी कठे रहने घर दे विच साढ़े चार घर है उत्थे खरड़ चारे भाई रहिंदे अपने अपने घर दे विच ते आउण जाण है साढ़े रिलेशन है। लेकिन ये है कि जी मेरी वर्किंग दे विच जशन का कोई रोल नहीं है। यार एक मिनट मैं स्पोर्ट्स की तुहानू गल दस रहा हां। स्पोर्ट्स दे विच ओलंपिक मैडलिस्ट, एशियन मैडलिस्ट ते कॉमनवेल्थ मैडलिस्ट उन्हां नूं ही क्लास वन नौकरी जिहड़ी ऑफर होंदी है। ये लड़का अपीयर होया सी पीसीएस लई लेकिन स्पोर्ट्स दे विच क्वालीफाई नहीं कीता, पीपीएससी ने इसे करके इनू जनरल कैटागरी च पाता एंड सबसीक्वेंटली ही वेंट टू द कोर्ट आलसो एंड रिजेक्टेड। मैं तां सिर्फ तुहाडे नाल इक्को ही गल सांझी करनी चाहुंदा क्योंकि ये सिर्फ ते सिर्फ एक सनसनी बनाउण लई इदां दी चीज़ जिहड़ी आ, क्योंकि भगवंत मान जी की आदत है वो हमेशा क्योंकि किसी पासे लगना नहीं हुंदा सिर्फ एहो जी सनसनी बना के ते किसे होर पासे नूं ध्यान डाइवर्ट करना हुंदा, होर गल कुछ नहीं है। मैं अज भी चैलेंज करदा कि इस बच्चे नूं उस कैटागरी च नौकरी नहीं दित्ती जा सकती एंड जे भगवंत मान सरकार देवे तां इहो जिहा मेरा ख्याल है कि 2 to 3 हज़ार बच्चे होणगे जिन्हां नूं इस कैटागरी दे विच नौकरी दित्ती जाऊगी और वह मैनू लगता हाई कोर्ट दे विच इन्नियां क्रेडिट्स हो जाणगियां जिहड़ियां कि पॉसीबल ही नहीं सरकार लई। मैं तां हैरान हाँ भी किहो जिही संसनी बना के की करना चाहुंदे। इह तां बहुत एक मेरा ख्याल है भी इहनां दा जिहड़ा कोई प्रवक्ता है ना ये उन्हों स्टेटमेंट देनी चाहिए। ये सीएम का लैवल नहीं है, ये सीएम मैं कहना हूँ भी दे दें, हूँ तो सरकार इन्हों की है ना, ये हूँ भी दे दें। ये बेसिकली ओलंपिक मैडलिस्ट एशियन मैडलिस्ट ते कॉमनवेल्थ मैडलिस्ट क्रिकेट दे विच बेसिकली जदों कोई ये हरभजन सिंह नूं मिली सी बिकॉज उन्हें इंटरनेशनली उदों उन्नियां विकेट्स लईयां सी। एक लड़की आ अमनदीप कौर उन्हें डबल सेंचुरी बनाई सी। उन्हां केसिस दे विच एक्सेप्शनली जिहड़े बच्चे उस लैवल नूं अचीव करदे आ जिहड़े इंडिया नूं रिप्रजेंट कर सक चुके हुण घट्टो घट वी, ये बच्चा तां साडा ही स्पोर्ट्समैन है बट एट द सेम टाइम अज भी प्लेइंग 11 दे विच नहीं हैगा। अज भी जिहड़ी किंग्स 11 आ उहदे मेरा ख्याल 23 दे विच हैगा, इह प्लेइंग 11 दे विच भी है नहीं। मैं इह दावे ना कह सकदा कि भगवंत मान इहनूं नौकरी दे नहीं सकदा, उहनूं दे देणगे तां फिर 1,000 to 2,000 होर नौकरियां तैयार कर लैणे इस कैटागरी च। पंजाब कैबिनेट बिल्कुल नहीं दे सकदी, इहदे विच घट्टो घट भी इहो जी कैटागरी दे साडे कोल 2,000 प्लेयर होणगे, घट्टो घट भी 2,000 प्लेयर होणगे जिहड़े कि इहो जी क्योंकि अलग अलग स्पोर्ट्स दे विच उहनां नूं आपां नूं इह सारियां नौकरियां देणियां पैणगियां। इह पता नहीं पढ़ के नहीं आउंदे यार, पता नहीं की करके आउंदे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उहनां ने रिकोगनाइज क्योंकि ओलंपिक चार्टर दे विच नहीं है, इस करके उहनूं उहदे विच नहीं रख्या होया। लेकिन जदों कोई एक्सट्रा ऑर्डनरी जिद्दां कोई कंट्री नूं मान लो उस लैवल ते रिप्रजेंट करता तो फिर कैबिनेट उहदा परव्यू चो कढ के तो फिर उन्हूं नौकरी दे सकती है, बट इस कैटागरी नूं बिल्कुल नहीं दित्ती जा सकती। भगवंत मान जी तुहाडे कोल 4 साल है, मैं दावे ना कह सकता भी जे तुसीं इस बच्चे नूं नौकरी दे सकते हैं दे के दिखाओ। पीसीएस ते डीएसपी दी क्लास 1 ऑफिसर दी एंड बिल्कुल
एक एक जिदा नहीं फिल्म चलानी होंगी पहला ट्रेलर देना होंगे फिर फिल्म चलानी होंगी पता नहीं मैं तो हैरान हाँ भी ये सीएम का लैवल नहीं है ये नौकरी देने दे झांसे विच सारा कुछ कराया जा रहा उस तो यह भी थोड़ी दस दिन कह भी गया कि जी असीं नूं नौकरी देवांगे क्योंकि पूरा लालच दिता होया ये कोई उत्थे ही नहीं मिले मुंडा पहला भी मिलता रहा पहला भी इन्हां नाल गल चलती रही है पूरा तैयार करके ही होया यार इन्होंने सारा कुछ करना है जो मर्जी करन साडा पूरा परिवार नूं अंदर करन मैनूं अंदर करन असीं तैयार बैठे हैं लेकिन ये नहीं है कि जी उत्थे जाके मत्था टेकण चले जावांगे तेरे मुहरे नक रल गया हो गया बेटी एक मिनट मेरी गल मेरी गल भी सुन लियो बाद में सवाल इन्हां नूं कर लियो कलिया नूं एवें ना उजाई चलो आ चलदा कि गल इस तरह मेरा भन्न है झूठ बोलन की इनू आदत है आप इन्ना सीरीयसली इनू लै रहे एक शरीफ आदमी उलझा के रख ले इन्हों झांसा दे के मुंडे को सरकारी गवाह बना ले प्यो ते पुत्र एक बड़ी खतरनाक गेम मैं समझना बहुत बदकिस्मती की गल एक चीफ मिनिस्टर का बड़ा बड़ा रुतबा होता है उस कुर्सी पर किसी टाइम से प्रताप सिंह कैरों बैठे रहे जिस पर अज ये आ गया प्रोफेसनल भांडे प्रोफेसनल भंडा वाली इन आदत अज भी जिस तरह चला रहे वेखो है सी हूँ कती मिनट रह गए जो हम उन्ती मिनट रह गए हूँ चार मिनट रह गए हूँ तीन मिनट रह गए निकलिया बच्चों कुछ भी क्ढन बार न कुछ नहीं जे सही मिनट से यहोजे कोई गल है सी ले एक्शन चनी जी ने तो कदन तक गया दूजी गल इस तो अलावा यदि गल छो गल हूँ अगली तो भी आई है जी अज कैबिनेट की मैं इनू पूछना चाहना भगवंत जी तू इन की गल तो करी जाना तू कटारू चकदा तो अज तक जवाब कोई नहीं देता नहीं जोड़ा कटारू है ये करप्शन का हिस्सा नहीं पंजाब की ये संस्कृति साड़ी जी करप्शन तुम कि कहते हो जी वो गरीब आवाजा मारता फिरता जिद इन्ना इमोरल एक्ट हो इतने तक लिया दिया कदम कुछ नहीं जिथे सारा काम रबिया गया कदे तो केस दायर कर कितने गया कटारू कटारू कोई नहीं पूछा एक गुरसिख बंदा एम बी बी एस पढ़िया वो ये कसूर कि उन्हें अजीत अखबार के हक च बरजिंदर सिंह हमदर्द बयान दे दिता वो कढ़ के बाहर मारिया डॉक्टर इंद्रबीर सिंह लिज्जत कितने अफसोस की गल मैं समझ लिया एक चनी जी इधर ध्यान करो आ दो मिनट खलो जो झोला बाद च खोलो पहले यदा झोला हौला हौला कर लिए थोड़ा जहाँ झोला तार भी कर ये पहले यदा जवाब दे दे ते सा प्रगट सिंह यदा बदल के ना लैके आया वेखो एक गुरसिख नू जेड़ा चीफ खालसा दीवान का प्रधान है नूरानी चेहरा वह नजर आता एम बी बी एस है वो वो ये पिछे तो भगवंत की इनिया देन की पूछ की लड़ है ये ना बच्चे सिंह है नहीं ये की फेत रखना किस धर्म से विश्वास ही नहीं रखना दस्तार का थले तो केस है नहीं एंटी पंजाबी एंटी सिख चेहरा बदनाम कर लग्या सारे तु दसो सही लैके किनू आया कटारू चक का जवाब नहीं अज तक दिता वो जिहड़ा सरारी जी वह किधर गया जी ऑडियो दे ओपन लोगों के विच आए ने अजे तक उन्हूं जे ड्रॉप किया गया अजे तक क्यों वो केस रजिस्टर करके उन्हूं कचहरी तक क्यों नहीं पहुँचाया गया सरारी ते एक वेखो तुसी बदल इंद्रबीर से फिर मैनू किसी ने पूछा अज कि जी इंद्रबीर सिंह निजर ना की सी मैं वो ये एम बी बी एस है ये 10+2 है ये अपने पढ़िया लिखा वादे ने कैबिनेट च रहन कोई नहीं देना आ मेरी गल सुन लो अगले दिन दे विच कोई भी 10+2 तो उत्ते नहीं बंदा रहे बलकार सिंह आ जिहड़ा बलकार लियांदा इन्हें अपने मुंडे का फर्जी सर्टिफिकेट दिता इतने तो दिता लिया कुछ नहीं पहले उहदा तो जवाब दे अपने मुंडे नूं सब इंस्पैक्टर करवाण वास्ते तू अपने आप नूं 50% हैंडीकैप दस
55 साल तो 58 साल की तू नौकरी ते चल रही, मेडिकल टेस्ट होंदा उहदे विच तू चंगा भला हट्टा कट्टा नजर आया। नौकरियां इन्हां लोकां दे हाथ विच की पंजाब सुरक्षित हो सकदा है? इहदा जवाब दे भगवंत मान, उह तैनूं कोई होर बंदा ही नहीं लभदा। कटारू ते कुछ कदे नहीं फिरदे, जदों पुछीदा कहिंदे जी इह केजरीवाल ने बनाया कटारू। पहले पूछिए कहते जी आ भतीजा ऐ करता सी, मैं तुहानू 100 फोटो विखा दिंदा जिते भगवंत केजरीवाल ऐ करी जांदे। आ जिहड़ा ऐ करी जांदे ते खलोते हर जगह, उहदा मतलब की है? हर जगह दो दो मंगदे ने, आ केजरीवाल भी ते आ भगवंत भी, आ जिथे मर्जी वेख लो ऐ करदे ने। बीमारी इहनां नूं है, खाते साडे बंदे ते चढ़ी जांदे। सारी पंचायत प्रगट सिंह जी, सारी पंचायत केस रजिस्टर कर दिता। आ जिहड़ी सिट बैठी इहदा नाम मेरा घर मतलब ही सिट दा ही हुंदा कि चुप होके बैठे रहो। सिट दा मतलब सिट ही होया, एक्ट नहीं करना बस सेट ही करनी। तो कोई किसी किस्म की कोई गल कहन की लोड़ नहीं, सारा पंजाब जानता ये बिल्कुल पखंडी ने, झूठे ने, झूठ बोलन दे आदि ने, फ्रॉड मारन दे आदि ने। दा इन्हां दा बज गया, 2-3 महीने दे सौके निकल गए, नहीं तो हुण तक इहदियां बाहां बन के इन्हां लै जाणा सी। तो इस गल कर ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਉਪ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਟਾਰੂ ਦੀ ਦੇ, ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਦੇ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਹੈ। 74 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ CM ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘਸਾਓ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘਸਾਓ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।